दिवस पहला पासुदरा खाते जाहिर में कॉलेजियन युवती नु गळु कापी नी हत्या करवानी घटनाए समग्र राज्य में हाहाकार मचाव्यो छे। आज सवारे आ युवती नी स्मशान यात्रा निकली हती, जेमा शहर ना अग्रणीओ मोटी संख्या में जोड़ाया हता। ज्यारे ग्रीष्मा नी स्मशान यात्रा अश्विनी कुमार रोड पर पहुंची त्यारे लोगों में एक प्रकार नो रोष जोवा मळी रह्यो हतो। पासुदरा खाते थी ग्रीष्मा विकरिया नी अंतिम यात्रा निकली, तेमा मोटी संख्या में स्थानिक लोगों अने राजकीय आगेवानो जोड़ाया हता। पासुदरा थी अश्विनी कुमार स्मशान भूमि सहित स्थलों पर ग्रीष्मा ने पुष्प अर्पण करीने लोकोए श्रद्धांजलि पाठवी हती। सूरत शहर में जे प्रकारे आ घटना बनी छे तेना पड़घा समग्र राज्य में पड़िया छे अने लोकोमां पोलीस सामे एक प्रकारनो रोष जोवा मळी रह्यो छे। आज सवारे शहर अश्विनी कुमार स्मशान भूमि खाते सवारथी ज पोलीसनो चुस्त बंदोबस्त गोठवी देवामां आव्यो हतो। ज्यारे ग्रीष्माना पार्थिव शरीर ने लावामां आव्यु त्यारे माहौल गमगीनी बनी गयो हतो। ग्रीष्माना परिवारना सभ्यो साथे तेना सगा संबंधीओ अने समाजना अन्य लोको सहित राजकीय अग्रणीओ अने कार्यकरो पण जोड़ाया हता। लोकोनी एक ज प्रकारनी मांगणी हती के बेन दीकरीओनी आ प्रकारे असामाजिक तत्वो द्वारा खुल्लेआम हत्या करवामां आवे तो ए केटले अंशे व्याजबी छे। शहरमां कायदो अने व्यवस्थानी स्थिति उपर पण लोको सवाल उठावी रह्या छे। ग्रीष्मानी स्मशान यात्रामां कामरेजना धारासभ्य वीडी झालावाड़िया पण जोड़ाया हता अने तेमणे पण आ घटना अंगे पोतानी प्रक्रिया आपी हती। आजे घटना बनी छे एना बाबतमां शुं कहो? जे काय घटना बनी छे ए दुखनी बाबत छे। सूरत शहर अने गुजरात तमाम ने आजे जे घटना थी दुखमय अने दुखनी लागणी अनुभवी रह्या छे, पण आवी घटना हवे बीजी वार न बने એમના માટે રાજ્ય સરકાર ઝડપીમાં ઝડપી નિર્ણય લઈને અને એમને કડકમાં કડક સજા થાય કે જેથી કરીને આવનારા દિવસોની અંદર આવું કૃત્ય ન બને। આજે કપલ બોક્સો ચાલે છે વરાછા વિસ્તારની અંદર, શહેરની અંદર, અને સ્પા ચાલે છે, એના બાબતમાં પોલીસ દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી નથી કરવામાં આવતી, તમે લોકો એનું ધ્યાન દોરો છો? એમનું ધ્યાન દોરાયેલું છે અને આપણા રાજ્યના ગૃહમંત્રી પણ કડક હાથે કામ લેવા માટે સૂચના આપી દીધી। ગઈકાલે કમિશનરશ્રીએ પણ પ્રેસ કરી અને એમણે સૂચના આપી છે અને એમની પણ ટીમ બનાવી છે, જ્યાં પણ ચાલતું હશે ત્યાં એમને ઉપર કાયદેસર કાર્યવાહી કરી અને બંધ કરાવવામાં આવશે।